प्रकार से देखते हैं, जैसे लिखा है कि जो साम 91 है, इसका जो टाइटल है वो है परमेश्वर हमारा रक्षक। और सचमुच में परमेश्वर हम सभी का रक्षक है। जितने भी परमेश्वर के पास लोग आते हैं, जितने भी परमेश्वर के शरणगत लोग हैं, परमेश्वर ने हम सभी की रक्षा की। हालेलुया। क्योंकि पिछले दिनों में हमने देखा कि महारोग किस प्रकार से पृथ्वी पर आया, किस प्रकार से हमारे भारतवर्ष के अलग अलग क्षेत्रों पे, राज्यों पे उस महारोग का असर हुआ। लेकिन अनुग्रह चर्च की जितने भी लोग रेगुलर प्रार्थना में हैं, आते रहे चर्च में, रेगुलर प्रार्थना में रहे, उन सभी की ये गवाही है कि परमेश्वर ने उस महारोग को हमें टच भी नहीं करने होने दिया। हालेलुया। इसीलिए हम कहते हैं कि परमेश्वर हमारे रक्षक हैं। यहाँ क्या लिखा है कि वे अपने परमेश्वर अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करें। क्या आप लोग जानते हैं कि परमेश्वर के स्वर्गदूत हमेशा हमारे साथ रहते हैं? जितने भी लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं कि वो यीशु परमेश्वर के पुत्र हैं, परमेश्वर के इकलौते पुत्र जिसे परमेश्वर ने हम पापियों के लिए भेजा कि हम में से कोई भी जन नष्ट ना हो, परंतु जो भी यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करे उसके जीवन में उद्धार आए। और यहाँ पे 91 के लास्ट में हमने क्या पढ़ा, और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। उद्धार जो हमें इस लाइफ के बाद मिलेगा, सेल्वेशन, कि हम स्वर्ग जाएंगे यीशु मसीह के साथ। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं उस उद्धार का दर्शन तुम्हें यहाँ पर भी दिखाऊंगा। हालेलुया। ये वचन में हमने पढ़ा कि मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। परमेश्वर वही दर्शन हमें दिखाते हैं जब हम अपने रोगों से चंगाई को पाते हैं। हालेलुया। जिस प्रकार दाऊद राजा कहते हैं कि रोते कराते कराते मेरी हड्डियां सूख गई। हम सभी अलग अलग फैमिलीज से आए हुए हैं यहाँ पर, अन्य अन्य जातियों से। हम सभी की क्या गवाही है, जितने भी लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, कि हमारे जीवन में बहुत ज्यादा दुख और तकलीफ थी। लेकिन जब हम यीशु मसीह के शरण में आए, हमने परमेश्वर के वचन को सुना, परमेश्वर के दास ने हमारे लिए प्रार्थना की, तो परमेश्वर ने हमारे उन रोगों को जिनकी वजह से हम रोते थे, कराहते थे, हम अलग अलग लोगों के पास जाते थे कि कोई हमारी हेल्प कर दे, बोल सकता है वो डॉक्टर्स हो, कोर्ट केसेस में हो, तो जजेस या लॉयर्स के पास जाते हो, लेकिन परमेश्वर का जब हाथ हमारे सिर पर आ गया तो हमारे जीवन में यीशु मसीह ने क्या गवाही दी कि अब हमारे पास वो रोने की वजह नहीं है। परमेश्वर ने हमारे विलाप को नृत्य में बदल डाला। हालेलुया। परमेश्वर ने जितने भी वजह से हम दुखी थे उन सभी रीजंस को हमारे जीवन से एक एक करके दूर कर दिया। हमें परखते गए परमेश्वर कि ये मेरे साथ चलेगा या चलेगी, और जिस प्रकार परमेश्वर के साथ हम चले, परमेश्वर ने हमसे प्रेम रखा। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैंने तुम्हें चुनकर अलग किया है। हम जिस प्रकार परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते गए, वचन को सीखते गए, परमेश्वर की दास की अगुवाई में चलते गए, परमेश्वर ने हम सभी को बढ़ाया है। हालेलुया। और परमेश्वर क्या कहते हैं कि मैं अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देता हूँ कि वे तेरे संग संग रहे। कोई भी एक्सीडेंट, कोई भी प्रॉब्लम आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि परमेश्वर के स्वर्गदूत आपके साथ हैं। लेकिन परमेश्वर के स्वर्गदूत और पवित्र आत्मा उन लोगों के साथ रहेंगे जो परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलेंगे। यीशु मसीह ने भी जब लोगों को चंगा किया, क्या कहा उन्होंने कि जा, तेरे विश्वास में तो चंगा किया, लेकिन अब जो तूने पाप किया था पिछले दिनों में उसको दोबारा से ना करना। पाप से आपको क्या करना, अपने मन को फिराना है, तौबा मांगनी है। क्या आप जानते हैं कि हफ्ते का जो फर्स्ट डे है, क्या आप अपने बेस्ट टाइम को स्पेंड करके आए हो पिछले हफ्ते में? कितने लोग कहेंगे कि बेस्ट टाइम को उन्होंने पिछले हफ्ते में स्पेंड किया है, मैंने तो किया है। हालेलुया। आप सब ने हाथ इसलिए नहीं उठाया क्योंकि आपने बेस्ट टाइम का मतलब आप नहीं समझते। बेस्ट टाइम वो नहीं होता कि हम जाकर शॉपिंग कर रहे हैं, हम घूमने फिरने जा रहे हैं, हम फैमिली के साथ अपने टाइम को स्पेंड कर रहे हैं, वेकेशन पर हैं, हिल स्टेशन पर हैं। वो जो चीज़ें हैं वो हमें टेम्प्ररी खुशी देती हैं। बेस्ट टाइम हमारी लाइफ का वो होता है प्रतिदिन जब हम उसके साथ समय बिताते हैं जो हमसे सबसे ज़्यादा प्रेम रखता है, जो हमारी दुहाई को, हमारी हर एक प्रार्थनाओं को सुन के उत्तर देते हैं, जिन्होंने अपने पुत्र को हमारे लिए भेज दिया कि उनके बलिदान के द्वारा हमारे जीवनों में उद्धार आया। और वो टाइम है बेस्ट टाइम जो हम परमेश्वर के साथ बिताते हैं। हालेलुया। कितने लोग एग्री है? हालेलुया। आप सभी को परमेश्वर के वचन के टाइम बहुत अटेंटिव और केयरफुल होकर बातों को सुनना है। आप एक्टिव हो जाओ जिससे कि परमेश्वर को आप हल्के में ना लो। अगर आप परमेश्वर को हल्के में लोगे तो परमेश्वर भी आपको हल्के में लेंगे। आपकी गवाहियों को परमेश्वर नहीं हल्के में लेंगे, वो देरी से बनती हैं फिर। हालेलुया। जितने हम परमेश्वर के लिए एक्टिव हो जाएंगे, जितनी हम प्रार्थनाओं में रहेंगे, परमेश्वर उतना ही हमें बढ़ाते हैं। आप जानते हैं जितने लोग प्रार्थना में रहते हैं उनके फेस देखिए, उनके चेहरे पर आपको उदासी नहीं दिखेगी। एक परमेश्वर का नूर उनके साथ साथ रहता है उनके फेस के। क्यों? क्योंकि वो उसके साथ समय बिता कर आए हैं जो उनसे सबसे ज्यादा प्रेम रखता है, जिसने उनके ऊपर दोष नहीं लगाया कि तूने ये
पाप किया। उसने क्या कहा, यीशु मसीह ने हमसे क्या कहा कि मेरे बेटे मेरी बेटियों मेरे पास आओ, मैं तुम्हारे पापों को गुनाहों को गलतियों को क्षमा करूंगा। हालेलुया। अगर आपने प्रेयर नहीं की आज तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती रही, क्योंकि हमें जो हफ्ते का फर्स्ट टाइम है पूरे वीक का जब हम शुरुआत करेंगे तो हमें उससे प्रसन्न करना है जो हमारे आशीषों के स्रोते हैं। परमेश्वर की ओर से जो ब्लेसिंग्स आएंगी वो आपकी लाइफ में हमेशा परमानेंट रहेगी। इतने भी जन सेवा में उन सभी को पास्टर के अलग से बताते हैं कि आपको संडे के दिन स्पेशली हमें रोज ही कम से कम एक घंटे प्रार्थना करनी होती है, क्योंकि जितने भी चिन्ह और चमत्कार यीशु मसीह दिखाते हैं वो इत्तेफाक से नहीं हमने फ्राइडे में सीखा था, वो परमेश्वर के वचन के द्वारा जब प्रार्थना की जाती है तब वो होते हैं, और उनका जो बैकअप होता है वो होता है जो हम अकेले में बैठकर यीशु मसीह से प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। अब संडे में जितने लोगों ने इस बार प्रार्थना की वो सभी लोग आशीषित हैं। हालेलुया। और आप जितने लोग यहाँ बैठे हैं अब आपने इस बात को जान लिया है, परमेश्वर का वचन भी क्या कहता है कि अब तूने जो मेरे नाम को जान लिया है तो अब उसके अनुसार आपको चलना है। आपको संडे वर्शिप में आने से पहले जिनके पास अन्य भाषा है उनको अन्य भाषा में, बाकी सभी लोगों को प्रार्थना करके आनी है कि परमेश्वर उनके जीवन को उनके पूरे वीक को ब्लेस करे। आपको अपने हर एक काम को परमेश्वर के ऊपर छोड़ना है। परमेश्वर क्या कहते हैं कि तुम अपने समझ का सहारा ना लेना। हमें किसका सहारा लेना, हमेशा परमेश्वर का, परमेश्वर के वचनों का। हालेलुया। इसलिए अब से बेस्ट टाइम हमें किसके साथ स्पेंड करना है, परमेश्वर के। और ये भी आपका बेस्ट टाइम है जो आप परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे हैं। वचन हमसे क्या कहता है कि जहाँ दो या तीन मेरे नाम से मौजूद हो वहाँ मेरी उपस्थिति है। परमेश्वर कहाँ पर रहते हैं, परमेश्वर हमारे स्तुतियों के बीच में रहते हैं, परमेश्वर हमारी आराधना के बीच में रहते हैं। यहाँ पर कोई भी यीशु मसीह की आपको मूर्ति नहीं दिखेगी, कोई भी क्रूस नहीं दिखेगा, क्योंकि वचन कहता है कि परमेश्वर आत्मा है और आवश्यक है कि परमेश्वर को खोजने वाले उनकी जो आराधना है वो किसमें करें, सच्चाई और आत्मा में होकर। इसलिए हम सब अपनी आंखों को बंद करकर फास्ट सॉन्ग है तो ताली बजाते हुए नाचते हुए दाऊद राजा के समान, और अगर सॉफ्ट सॉन्ग है तो अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर को महिमा देते हैं। हालेलुया का मतलब है परमेश्वर जिसने आपको मुझे पूरे पृथ्वी को पूरे संसार को बनाया, उस परमेश्वर की महिमा, उस परमेश्वर की स्तुति हो। हालेलुया। आप सभी लोग बहुत आशीषित हैं क्योंकि पूरा हफ्ता जब आपने अपने परमेश्वर को यहाँ पर दिया, पहला स्थान दिया, जिस प्रकार परमेश्वर का वचन भी कहता है कि तुम्हें पहले परमेश्वर को खोजना है, तो वो आशीष आपकी पूरी वीक आपके साथ रहेगी। हालेलुया। और परमेश्वर आपकी और आपके पूरे परिवार की रक्षा करेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कहता है, हम एक बार पढ़ लेंगे यहाँ पे 51:11 में, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरी निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करे, वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। परमेश्वर यहाँ तक आपको बचाएंगे कि आपके पाँव में पत्थर से ठेस ना लगे, लेकिन उन लोगों को परमेश्वर बताएंगे, बचाएंगे जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं। परमेश्वर से प्रेम रखने वाले लोग वो होंगे जो परमेश्वर की आज्ञाओं पे चलेंगे, जो परमेश्वर के दास की गाइडेंस के अनुसार चलेंगे, जो अपनी समझ का सहारा नहीं लेंगे। और फिर हम परमेश्वर के अद्भुत कार्य को होते हुए अपने जीवन में देखते हैं, और फिर हम यहाँ आगे आकर परमेश्वर की महिमा के लिए अपनी उन गवाहियों को देते हैं। यीशु मसीह ने प्रेरितों के काम में कहा कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह ठहरोगे। हालेलुया। कितने लोग तैयार है परमेश्वर के नाम की गवाही को देने के लिए। हालेलुया। अभी जब अनाउंसमेंट होगी तो आप में से कोई भी तीन जन आगे आकर अपनी गवाही को दे सकते हैं। हालेलुया। आपसे हर संडे हम ऐसे ही भजन संगीता को पढ़ेंगे। आप जानते हैं परमेश्वर ने अनुग्रह चर्च को बहुत बड़ी बड़ी ब्लेसिंग्स दी हैं। हालेलुया। जो चर्च सिर्फ तीन लोगों से शुरू हुई थी, एक छोटे से स्थान से शुरू हुई थी, परमेश्वर ने उसको बढ़ाते गए। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि बढ़ोतरी मेरी ओर से ही आती है, और उस बढ़ोतरी का हिस्सा आप भी हैं। आपकी लाइफ के लिए हमारी यही प्रार्थना है पास्टर जी और मेरी यहाँ पर सभी सेवा करने वालों की, कि परमेश्वर आपके लाइफ के हर एक एरिया में, हर एक क्षेत्र में बढ़ोतरी को दे। हालेलुया। कोई भी शैतान आपकी ग्रोथ को ना रोकने पाए, और फिर आप परमेश्वर की महिमा और सेवा के लिए तैयार हो। हालेलुया। क्योंकि आपकी लाइफ का जो अल्टीमेट गोल है, जो मकसद है, वो यही होना चाहिए कि मैं किस प्रकार से परमेश्वर को महिमा दूं। यीशु मसीह ने भी क्या कहा कि जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वो मैं करूंगा, जिससे पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। हमें भी वही प्रार्थना है, वही गवाही अपने जीवन में रखनी है, और उन लोगों को बताना है, जिससे कि हम भी यीशु मसीह और परमेश्वर पिता की महिमा कर पाए। आप जानते हैं परमेश्वर का वचन भी कहता है कि यहोवा के किए हुए किसी भी उपकार को ना भूलना। अब जब परमेश्वर का वचन हमें ये आज्ञा देता है कि हमें आगे बढ़कर अपनी गवाहियों को देना है, तो इसलिए जरूरी है कि हम परमेश्वर के किए किसी भी उपकार को अपने जीवन में छुपाकर ना रखें।